हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। हमने आज तक लगभग लगभग काफी सारे मेडिसिन की रिव्यू करी है। सभी रिव्यू वीडियो में कुछ चीजें हमेशा कॉमन रखी हैं, वो है उनका लैंग्वेज इतना सिंपल होना कि इसे अगर मेडिकल के अलावा नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स या फिर जनरल पब्लिक देख रहा हो तो वो उसे आसानी से समझ पाए, क्योंकि वो यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं तभी वो वीडियो को देखते हैं सर्च करते हुए। दूसरी चीज, हमने ये बताने की कोशिश करी है कि हर एक मेडिसिन का जो डोज है वो हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। साथ में ये भी बताया कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका यूज करने का सही तरीका क्या है और उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं यानी कि मेन सॉल्ट जो प्रेजेंट है वो काम कैसे करता है, ताकि आपके अंदर ये इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और आप ये जान सको कि जिसका यूज आप कर रहे हो भैया वो काम कैसे करता है। आज के इस मेडिसिन रिव्यू के वीडियो में मैं एक ऐसे क्रीम के बारे में बात करने वाला हूं जो काफी अधिक मार्केट में बिकता है, क्योंकि इसके काम करने के तरीके काफी अच्छे हैं और इसका जो रिस्पांस है वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। ये हमारा आज का जो प्रोडक्ट है यह है कैंडिड बी। ये तो कैंडिड के नाम से आपने कई प्रोडक्ट यूज किए होंगे, ये क्रीम भी यूज किया होगा, आपके ड्रॉप भी यूज किए गए होंगे, लोशन भी यूज किया गया होगा, लेकिन सबके कॉन्स्टिट्यूएंट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होता है और कुछ चीजें कॉमन रहती है। तो जो कैंडिड बी है उसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रखे गए हैं, क्योंकि कैंडिड बी तो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम से आपको वो परचेस करने में आसानी होती है, लेकिन इसके अंदर हमेशा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसे आप सॉल्ट भी कहते हो, मेन फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं, तो वही हमारे लिए काम का होता है। इस कैंडिड बी में दो कॉन्स्टिट्यूएंट का एक निश्चित प्रपोर्शन में अनुपात में मिक्सर किया गया है। ये दो हमारे मेन ड्रग है, कोट्रिमाजोल और आपका बेक्लोमेथासोन। ये दो ड्रग अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के हैं मतलब अलग अलग क्लास को बिलोंग करते हैं, मतलब उनके काम करने का तरीका अलग अलग होगा। तो आपको ये चीजें कब यूज करनी चाहिए या आपको क्या प्रॉब्लम हुई जब डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। इस जो क्रीम है हमारा ये टॉपिकल क्रीम है, इसे आपको सतह पे लगाना है जहां पे प्रॉब्लम है, इसे इंटरनल यूज कभी नहीं करिएगा। तो इसके तीन मेन मुख्य यूज है। पहला है आपका इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइकोटिक एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी प्रोटिक मेडिसिन। इसका क्या मतलब है, हर एक वर्ड को समझिए, बड़ा मजेदार हो जाएगा आपके लिए समझना। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या होता है, ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा और स्पेक्ट्रम मतलब होता है उसकी यूटिलिटी। इसको समझिए इस तरीके से, अगर मैं आपको कोई एक क्रीम देता हूं जो केवल एक तरीके की प्रॉब्लम को ठीक करे, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई इन्फ्लामेशन हो तो वो ए नंबर का क्रीम, ए नाम का क्रीम आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन साथ में अगर आपको खुजली हो रही है तो उसके लिए आपको बी क्रीम यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी को दोनों हो रही है तो क्या वो ए को भी यूज करे, बी को भी यूज करे, साथ में अगर कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही तो क्या वो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को यूज करे, तो उसको वैसा ही करना पड़ेगा अगर ए एक ही काम को पूरा कर पाता है। तो वो हो गया हमारा नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि कम क्षमता वाली दवाई जो कम तरह के प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करती है। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब होता है चौड़ा, मतलब उसकी यूटिलिटी एक से अधिक तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहने का मतलब यहां पर यह है, ये अलग अलग तरीके के फंगल इंफेक्शन को, अलग अलग तरीके के फंगस की वजह से होने वाले इंफेक्शन को खत्म करने में काफी ज्यादा मदद करता है। सो यहां पे ए प्लस बी प्लस सी का जो इफेक्ट होगा वो सिंगल एक ही ड्रग से आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरा, इस पर लिखा हुआ एंटी माइकोटिक। एंटी माइकोटिक को अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा, एंटी फंगल। तो हमारी बॉडी के स्किन पे मोस्ट ऑफ द केसेस स्किन पे ही देखने को मिलता है, सिस्टमिक भी होता है, बट ये जो ड्रग है वो केवल स्किन के लिए ही है। फंगस का मतलब है ऐसे चीजें जो आपकी बॉडी के स्किन पे खुजली कॉज करवाती हैं। ये आपने कभी ना कभी फेस किया ही हुआ होगा, चाहे आपने अगर गीला कपड़ा पहना है तो उस जगह पे इचिंग होने लगेगी, आपके हाथ में कोई वर्म्स जैसे सब्सटेंस दिख रहे होंगे लेकिन वो वर्म्स होते नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस, ये आपके फंगस होते हैं जो खुजली कॉज करवाते हैं। अंडर आर्म्स में भी आपको खुजली होती है और अंडर गारमेंट के कॉर्नर में भी आपको खुजली होती है, गर्मी के मौसम में पसीने एक्यूमेट हो जाते हैं, इन सब के पीछे का कारण होता है मोस्ट ऑफ द केसेस फंगल। उंगलियों के बीच में भी आ जाना वो फंगल इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा आपके स्किन पे डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ फंगस इन्वॉल्वड इन द इन्फेक्शन वो बढ़ते जाएगा। ऐसे केस में इस तरह के जो क्रीम है एंटी माइकोटिक या एंटी फंगल क्रीम आपके उस फंगल इंफेक्शन को खत्म करने में मददगार होते हैं। कैसे काम करते हैं वो भी बताऊंगा, पहले मैं इनके मतलब को समझा दूं। दूसरा जो इसमें लिखा हुआ है एंटी इंफ्लामेटरी। एंटी इंफ्लामेटरी कहने का मतलब क्या है, जब कभी भी आप खुजली करते हो तो उस पर्टिकुलर पार्ट में, चाहे वो फंगस की वजह से खुजली हो रही हो या फिर कोई इरिटेशन वगैरह हो रहा हो, तो अगर आप वहां पर खुजाएंगे तो आप ये देखते हैं कि वो जगह में थोड़ा स्वेलिंग आ जाता है, थोड़ा सा सूजने लगता है, लाल भी हो जाता है, तो वो है इंफ्लामेशन। इंफ्लामेशन की इंटेंसिटी बिल्कुल अलग अलग हो सकती है लेकिन है तो इंफ्लामेशन। वहां पे आपको रेडनेस नजर आएगा, थोड़ा सा जगह हीट गर्म होने लगेगा, खुजली होने लगेगी, थोड़ा सा पेन भी देखने को मिल सकता है, सूजन तो आएगा ही है। ये है हमारा इंफ्लामेशन, तो उसको भी ठीक करता है। तो दो चीजें आपने देखी अभी तक
पहला ये कि फंगल इन्फेक्शन को ठीक करेगा कम करके, दूसरा ये अगर आपने देखा कि इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसको भी वो रिड्यूस करने का काम करेगा, इसका भी मैकेनिज्म मैं आपको समझाऊंगा, चिंता ना करिए पूरा समझा देंगे हम। उसके बाद तीसरा है यहां पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है एंटी प्रूरिटिक, इसका मतलब है खुजली, अगर आपको इचिंग हो रही है तो उस इचिंग को भी सप्रेस करने का काम करता है आपका कैंडिड बी लोशन। कैंडिड बी, एक बी को स्पेसिफाई करना आवश्यक है क्योंकि दूसरे कैंडिड में इसका कंटेंट अलग अलग हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस कैंडिड लोशन में आप देखोगे तो आपको कोट्रामाजोल ही मिलेगा। तो ये हो गया इसके तीन मेन घटक जिनके काम करने के तरीके, अब मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो हमारा कंटेंट है कोट्रामाजोल, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि फंगल के कारण से होने वाले प्रॉब्लम को खत्म करता है। तो फंगस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस की तरह कई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, सबके अपने अपने जीवन जीने के तरीके हो सकते हैं जैसे हमारे अपने अपने तरीके होते हैं। तो ये जो फंगस है वो एक स्पेसिफिक तरीके से अर्गोस्ट्रॉल को यूज करके अपने चारों तरफ एक सेल्युलर मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनाने का काम करता है। इस मेम्ब्रेन का, इस झिल्ली का, इस भित्ति का ये काम होता है कि वो सेलेक्टिवली किसी चीज को परमेबल होने दे या ना दे, वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से वो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो उस फंगस को बचा के रखता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। हमारा जो आज का ड्रग है कोट्रामाजोल, ये इसी फंगस के बनने के बायोसिंथेसिस को, प्रोसेस को, जो तरीका है, स्टेप्स है, इसको इनहिबिट करता है। इसके इनहिबिट करने से जो आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो नहीं बनेगा, और उसके नहीं बनने से जो उसकी प्रोटेक्शन सिस्टम थी फंगस के रिस्पेक्ट में वो खत्म हो जाएगी, और आपका जो फंगल इन्फेक्शन था या उस फंगल इन्फेक्शन का जो कारण फंगस था वो खत्म हो जाएगा, आपको वहां पर राहत मिल जाएगी। यहां पर दूसरा जो ड्रग है हमारा बेक्लोमेथासोन, ये एक प्रकार से स्टेरॉइड्स को बिलोंग करता है। जो इचिंग, इन्फ्लेमेशन या कुछ स्पेसिफिक टाइप की एलर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होगी स्किन पे, उसको भी सप्रेस करने का काम करता है। इसके कारण से उस पर्टिकुलर पार्ट में जो भी आपको रैशेस, खुजली, इन्फ्लेमेशन दिख रहा है वो काफी हद तक सप्रेस हो जाता है। तो ये सिंपल से ड्रग लगते हैं लेकिन काम करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इन सब के ऊपर अगर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग बीएचएमएस स्टूडेंट हैं, तो डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे मेन चैनल सोल्यूशन फार्मेसी पे। ये आज की क्रीम के बारे में हो गई। जब कभी भी क्रीम को आप यूज करें तो आपने कहीं से भी घूम फिर कर या क्रीम ऑइंटमेंट निकाला लगा दिया, ऐसा ना करिएगा। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक तरीका होता है। सपोज अगर आप अपनी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में, आपकी आंखों पे, आपके मुंह के आसपास डेडिकेटेड पार्ट में इसे बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर आप नॉर्मल पार्ट पे लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पार्ट को ल्यूक वार्म वाटर से, अगर डिपेंडिंग पर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आप केवल ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। तो ल्यूक वार्म वाटर से धोना थोड़ा इसलिए अच्छा भी होता है क्योंकि हमारे वहां पे स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और पेनिट्रेशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो गुनगुने पानी से आपने उसे साफ किया, साफ करने के बाद एक अच्छे टॉवल से, खराब टॉवल से बिल्कुल यूज ना करिएगा। और एक हद तक फंगल इन्फेक्शन कारण यह भी होता है कि आप दूसरों के यूज किए हुए टॉवल या गीला टॉवल को यूज करते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। तो आप एक नए सूखे टॉवल से उसको साफ करिए, जब वो जगह सूख जाए तो एक क्रीम का थोड़ा सा पार्ट लेकर के आप अपने स्किन के उस पार्ट पे लगाते रहें। डॉक्टर आपके सीवीआरटी के अकॉर्डिंगली आपको कितने बार लगाना है ये सलाह दे सकते हैं, बट इसे आप दिन में 2 से 3 बार आराम से लगा सकते हैं क्योंकि ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है। इसके बाद अपने हाथों को अच्छे से साफ कर लें, वरना आपके पार्ट में कभी भी वो मुंह में, आंख में जाएंगे तो जलन कॉज कर सकते हैं। ये एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है इसलिए आपको इसको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली ही लेना चाहिए, और हमेशा की तरह हर मेडिसिन के साथ जो खास बात होती है वार्निंग के रूप में, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो आज के वीडियो के लिए हमने बात किया आपका कैंडिड बी क्रीम के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप किस लिए यूज कर रहे होंगे, उस यूज के रेस्पेक्ट में कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।